नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धूरिया। आज कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगा है। हालांकि भारत में ये ज्यादा प्रभावी नहीं है और केवल पूर्वोत्तर राज्यों में ये आंशिक रूप से ही नजर आ रहा है, इसलिए इस बार इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं कि चांद को ग्रहण क्यों लगता है। दरअसल इसके पीछे एक कहानी काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुर के बीच में अमृत को लेकर झगड़ा हो रहा था। तब विवाद का निपटारा करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धरा और असुरों से बचाकर देवताओं के पास अमृत पहुंचा दिया, लेकिन राहु ने अमृत पान कर लिया था। चंद्रमा को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने भगवान विष्णु को इस बारे में बताया। ऐसे में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस पर वार किया, लेकिन अमृत पान के कारण राहु फिर से जीवित हो गया और इस पर भगवान विष्णु ने उसके दो टुकड़े कर दिए। ऊपर वाला भाग राहु कहलाया और नीचे वाला भाग केतु। भगवान विष्णु ने दोनों को अलग अलग दिशा में फेंक दिया। वो दिन पूर्णिमा का दिन था। तब से माना जाता है कि राहु चंद्रमा का दुश्मन है और तब से ही पूर्णिमा के दिन राहु केतु चंद्रमा को घेर लेते हैं और उसकी रोशनी को रोक देते हैं। इस वजह से ग्रहण को अच्छा नहीं माना जाता है। इस बार जो ग्रहण लगा है वो खंड ग्रास चंद्र ग्रहण है, जिसका असर 3 महीने तक रहने वाला है। आपको बता दें, ग्रहण काल में हर किसी को भगवान का ध्यान करना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्रों का भी जाप करते रहना चाहिए। वैसे विज्ञान के हिसाब से जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। ये तीनों के सीध में होता है, इसलिए चांद की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंचती है और अंधेरा हो जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।